गुड मॉर्निंग फ्रेंड, आज हम लोग बात करते हैं ओवर सब क्वेश्चन में प्रो आटा बेसिस पे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किए जाते हैं। ओके, लिखते हैं एक एग्जांपल के साथ। एग्जांपल क्या है? एक्सपेक्टेड लिमिटेड कोई भी है, इशू 20,000 शेयर और रुपीज 10 ईच टू द पब्लिक पेबल, 4 रुपीज ऑन एप्लीकेशन, 3 ऑन अलॉटमेंट एंड 3 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। एप्लीकेशन वेयर रिसीव 25,000 शेयर, द डायरेक्टर डिसाइडेड टू अलॉटेड 20,000 शेयर प्रोआटा बेसिस एंड सरप्लस एप्लीकेशन मनी यूटिलाइज फॉर अलॉटमेंट। ओके, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि कंपनी कितने शेयर इशू कर दी है, टोटल कंपनी के जो शेयर है वो नंबर ऑफ शेयर कितने हो रहे हैं, 20,000 शेयर, 20,000 शेयर। ओके, कंपनी कह रही है कि जो 20,000 शेयर है, एक शेयर की प्राइस है 10 रुपीज की, इसमें 4 रुपीज एप्लीकेशन, 3 रुपीज अलॉटमेंट एंड 3 रुपीज फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, यानी एट द रेट ऑफ रुपीज कितने का है, 10 का है, जो डिवाइडेड है किसमें, 4 रुपीज एप्लीकेशन, 3 रुपीज अलॉटमेंट एंड रिमेनिंग 3 रुपीज फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फाइनल कॉल। ठीक, अब यहां पे कंपनी ने तीन पार्ट में डिवाइड तो कर दिया। अब कंपनी कह रही है कि जो कंपनी के पास जो एप्लीकेशन रिसीव हुई है, टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने के लिए आई है, 25,000, 25,000 एप्लीकेशन रिसीव, एप्लीकेशन रिसीव। कंपनी को अलॉट कितना करना है, 20,000 शेयर, अलॉटेड शेयर कितना है, 20,000 शेयर्स। ओके, तो सरप्लस शेयर कितना हो गया, 5,000 शेयर्स अमाउंट कहां ट्रांसफर कर रही है, ये कितना करना है कंपनी को शेयर, अलॉटेड, अलॉटेड कितना है कंपनी, अलॉटेड कितना कर रही है, 20,000 शेयर, तो सरप्लस शेयर कितना है, 5,000, तो इसका जो अमाउंट होगा उसको कंपनी कहां ट्रांसफर करेगी, अलॉटमेंट। प्रोराटा के बेसिस में कोई, जैसे इसके पहले हम बात कर रहे थे कि जैसे कोई से एक्स्ट्रा आया तो कंपनी ने क्या कर दिया, उसको रिफंड कर दिया, यानी रिजेक्ट कर दिया है, लेकिन इसमें कंपनी क्या कर रही, इस तो एक्स्ट्रा 5,000 का पैसा था उसको कहां यूटिलाइज कर रही, वो अलॉटमेंट में। ठीक है, आइए देखते हैं इसके साथ अब प्रॉब्लम तो ये था, अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो इसके जो फर्स्ट एंट्री आएगी, जो फर्स्ट एंट्री आएगी तो क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन कितने से, कितना एप्लीकेशन आया था, 25,000, तो 25,000 इनटू एप्लीकेशन के अमाउंट कितने से थी, 4 रुपीज से, यानी कितना हो गया यहां पे, 1,00,000, 1,00,000 द एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। कंपनी ने एप्लीकेशन की मनी तो रिसीव कर लिया, अब कंपनी क्या कर रही है कि नेक्स्ट एंट्री क्या करती है, जब उसे एडजस्ट करना होगा तो नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। अब देखो यहां पर सेम ये अमाउंट उतर गए, अब कंपनी को करना कितना था, 20,000, तो 20,000 कैपिटल कितना ट्रांसफर कर सकती है, 20,000 इंटू 4, 80,000। एक्सेस एप्लीकेशन कितना है, 5,000, एडजस्ट कहां कर दी कंपनी, अलॉटमेंट में, तो 5,000 इंटू 4, 20,000,
Okay. Being application may transfer to share and share capital account and pro rata allotted. B, the application amount transfer to share capital account and अब कैपिटल अकाउंट में तो ट्रांसफर कर दे दिए, उसके बाद जो कर रही है क्या कर रही है, एंड प्रोराटा अलॉटमेंट एंड प्रोराटा अलॉटमेंट ओके ये तो कंपनी के यहां पे एंट्री हो गई कि कंपनी ने इसे अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर दिया ओके अब इसके बाद जब कंपनी अलॉटमेंट करती है तो अलॉटमेंट में क्या एंट्री हो जाएगा नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी इक्विटी से अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितने से 20,000 into 3 यानी कितना हो गया 60,000 being the allotment due ये कंपनी ने अलॉटमेंट ड्यू किया अब अलॉटमेंट ड्यू कर रही है अब कंपनी जितना एक्स्ट्रा अमाउंट ट्रांसफर कर चुकी थी कहां पे अलॉटमेंट में हमने सेकंड टाइम किया तो वो अमाउंट कंपनी उतना कम अमाउंट रिसीव करेगी तो यानी नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अब देखो यहां पे कंपनी ने अलॉटमेंट में ड्यू तो क्या 60,000 लेकिन ऑलरेडी ट्रांसफर कितना कर चुकी है 20,000 तो अब रिमेनिंग कितना अमाउंट रिसीव कर सकते हैं यहां पे कंपनी 40,000 बीइंग द अलॉटमेंट मनी मनी रिसीव्ड ओके अब अलॉटमेंट मनी कंपनी रिसीव कर लिया तो अब नेक्स्ट एंट्री कब होगी रिसीव कर रही है अब कंपनी फर्स्ट कॉल ड्यू कर रही है तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में तो नेक्स्ट एंट्री करते हैं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की तो नेक्स्ट एंड फाइनल कॉल की क्या एंट्री हो जाएगी इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितने से 20,000 into 3 60,000 ओके बीइंग The first and final call due. जब due किया अब receive करेगी तो next entry क्या जाएगा bank account debit to equity share first and final call. Okay? अब कितने से यहां पे तो ट्रांसफर नहीं किया था तो सेम अमाउंट जितना से ड्यू किया था उतना ही यहां पे रिसीव हो जा रही बी द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल
one will call money receive. फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी क्या हो रही है, रिसीव हो रही है. अब एक बार फिर से देख सकते हैं प्रॉब्लम में था क्या क्या चीज थी. कंपनी क्वेश्चन क्या था, कंपनी कह रही थी कि 20,000 शेयर को इशू कर रही है जो एक शेयर की प्राइस थी कितने का, 10 रुपीज का था. ओके, जो डिवाइडेड था एप्लीकेशन 4 अलॉटमेंट 3 एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 3 रुपीज से. कंपनी ने एप्लीकेशन रिसीव किया था कितना, 25,000 शेयर को एप्लीकेशन रिसीव हुई थी. कंपनी करना कितना था, 20,000. जो एक्स्ट्रा 5,000 की अमाउंट थी उस शेयर का पैसा था, उसको कंपनी ने कहां एडजस्ट किया, अलॉटमेंट में. तो फर्स्ट एंट्री क्या हो गई, बैंक ऑन डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन कितने से किया था उन्होंने, 25,000 इंटू 4 कितने से, 1,00,000 से. नेक्स्ट एंट्री क्या किया, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल और टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, यानी कितने का था, जो 5,000 का एक्स्ट्रा पैसा था उसको कहां ट्रांसफर किया था, अलॉटमेंट में. तो एप्लीकेशन में अमाउंट कितनी आई थी, 1,00,000. कैपिटल में कितना आया था, 80,000 एंड अलॉटमेंट में ट्रांसफर उन्होंने कितना किया था, 20,000. तो बैंक एप्लीकेशन में रिसीव जब किया था उसका जो ट्रांसफर किया कहां पे, कैपिटल में एक्स्ट्रा, और किसके बेसिस पे अलॉट किया, प्रोराटा अलॉटेड. ठीक है, अब उसके बाद फिर हम लोगों ने क्या किया कि फर्स्ट का जब अलॉटमेंट ड्यू किया, अलॉटमेंट कितने रुपीज की थी, 3 रुपीज का था, यानी 20,000 × 3. तो नेक्स्ट डे क्या किया था हमने, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितने से, 20,000 × 3. अलॉटमेंट ड्यू किया कितने से, 60,000. जब रिसीव किया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट एंट्री हुई, लेकिन जो ऑलरेडी जो हम लोगों ने एप्लीकेशन में का अमाउंट जो ट्रांसफर किया था कहाँ पे, अलॉटमेंट में, उतने से माइनस कर दिया, तो जो रिमेनिंग अमाउंट आई वो कितना आ गई, 40,000. फिर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने रुपीज का था, 3 रुपीज का था. तो फिर नेक्स्ट क्या किया हम लोगों ने, यहाँ पे इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितने से, 20,000 × 3, 60,000. और फिर रिसीव किया बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल. ओके, अब इसके बेसिस के बाद हम लोग जो बात करेंगे वो किस पे आएगा, प्रोराटा अलॉटमेंट एंड जो बेसिक रिजेक्शन की होती है, जो हमने फर्स्ट मेथड में हमने बात किया था रिजेक्ट कर रहे हैं और फिर प्रोराटा अलॉटमेंट के बेसिस में कर रहे हैं, उसके बेसिस पे कैसे प्रॉब्लम्स सॉल्व होते हैं, यानी दोनों को कंबाइंड करके, कंबाइंड और टू मेथड्स, कौन सा, एक रिजेक्टिंग का प्लस प्रोराटा बेसिस पे. ओके, अगर आपको अच्छी लगा होगा तो आप सब्सक्राइब कीजिए. अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है जो आपको सॉल्व चाहिए तो कमेंट पे अपना भेजिए और मैं सॉल्व करके भेजूंगा आपको. ओके, थैंक यू, बाय.